हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा वक्त सीमित है, पर हम ये नहीं जानते कि कितना सीमित। क्या अपने मरने का वक्त ना जानना हमारे लिए बेहतर है? या अगर हमें पता हो तो हम ज्यादा खुशहाल और बेहतर जिंदगी जिएंगे? क्या हो अगर आपको यह पता हो कि आप ठीक किस वक्त मरने वाले हैं? आप अपने जीने के तरीके में क्या बदलाव लाएंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप जानते हो कि आप कब मरने वाले हैं। यह कोई खुशी का विषय नहीं है। ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, कई लोग इसके बारे में सोचना नहीं चाहते, कुछ लोग इसे मजाक में लेते हैं, पर इससे यह आसान नहीं होने वाली। मृत्यु, देखिए लिया मैंने इसका नाम। ये डरावनी है, पर इसे लेकर काफी उत्सुकता भी होती है। हम सब जानते हैं कि हम जाने वाले हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हम कहां जाने वाले हैं, और ये भी नहीं कि कब। ये अनजानी बातें काफी उत्सुकता की वजह बनती हैं। पर क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हो अगर अपने मरने की तारीख और वक्त पता होने से हमें वाकई मदद मिले, मतलब शांति से रहने में, बावजूद इसके कि दुनिया में कई लोग मौत के डर यानी थैनेटोफोबिया से गुजरते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनके मुताबिक आप कब मरने वाले हैं, यह जानना इस बारे में ना जानने से बेहतर है। एक तरह की शोध के चलते मनोवैज्ञानिकों ने बीमारी के अंतिम चरण में पहुंच चुके मरीजों से और जीवन के अंतिम वक्त को जी रहे लोगों से जीवन के बारे में पूछताछ की, क्योंकि ये लोग जानते थे कि इनका जीवन जल्द ही खत्म होने वाला है। फिर उन्होंने अलग अलग समूह के लोगों से कहा कि वो ये कल्पना करके बताएं कि अगर वो जानते हो कि वो कब मरने वाले हैं तो उन्हें कैसा महसूस होगा। हर शोध में वो लोग जो मरने वाले थे, उन्होंने जीवन और मृत्यु के बारे में उन लोगों की तुलना में ज्यादा सकारात्मक ढंग से बात की जिनके पास शायद जीने के लिए कहीं ज्यादा उम्र पड़ी थी। वो लोग जो ये नहीं जानते थे कि वो कब मरने वाले हैं, उनके लिए बुरी चीजें ना सोचना ज्यादा मुश्किल था, जैसे नुकसान का दुख, अर्थ शून्यता और उन चीजों को खो देने का अफसोस जिन्हें वो आज देखते या करते हैं। पर जिस समूह को ये पता था कि उनके पास कितना वक्त बचा है, वो अपने जीवन के अनुभवों और उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए काफी शांत नजर आए। उन्होंने इस बात को सराहा कि उनके जीवन में दोस्तों और परिवार का साथ था और उन खुशहाल पलों को याद किया जो उन्होंने जिंदगी भर में जिए हैं। पर आने वाली मौत केवल चीजों को याद करने का ही वक्त नहीं होती। कई लोगों के लिए ये इस बात को पक्का करती है कि हमें अपना जीवन पूरी तरह से दिल खोल कर जीना चाहिए। एक बार हमें ये पता लग जाए कि हमारे पास कितना सीमित वक्त बचा है, फिर आप एक ही बार जीते हैं, जैसे सच केवल फिल्मी बातें नहीं लगेंगे। आप अपना वक्त ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आप मरने के पहले जो कुछ करना चाहते हैं उन सपनों की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। क्या आप अंतरिक्ष में छलांग लगाएंगे या समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में गोता लगाएंगे? क्या आप जितनी हो सके उतनी दुनिया घूमने की कोशिश करेंगे? क्या आप नए स्वाद चखने या बेहतर रोमांचक चीजें करने की कोशिशें करेंगे ताकि खुद को ये याद दिला सकें कि जिंदा रहना कैसा महसूस होता है? यह जीवन इससे ज्यादा साधारण है। शायद आप ज्यादातर वक्त अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बिताना चाहें। शायद आप किसी खास को ये बताएंगे कि उनके लिए आप कैसा महसूस करते हैं। तुम मुझे पूरा करती हो। संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है और ये लगभग हर शख्स के लिए अलग अलग हैं। पर आप जानते हैं कि कुछ लोग फिर भी अपने जाने के बाद भी जिंदा बने रहने के लिए कोशिश करेंगे। आकलन के मुताबिक लगभग 1000 युवा महिलाएं हर साल हॉलीवुड में स्टार बनने के लिए अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करती हैं। कई लोगों को ये सुनने में भोलापन या दिखावा और हल्कापन लग सकता है, पर शोध के मुताबिक कामयाबी की चाहत इससे थोड़ी गहरी होती है। वो लोग जिन्हें मृत्यु के सच से डर लगता है, उनके लिए मशहूर होना या एक विरासत छोड़कर जाना एक सुकून भरा ख्याल होता है। ये जानना कि उनका नाम और सम्मान दुनिया में उनके जाने के बाद भी बना रहेगा। जाहिर है ऐसे भी कई लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने आने वाली मौत के बारे में जानकर अपनी बची हुई जिंदगी को उन चीजों पर फतेह करने में लगाया जो जरूरी थी और जिनसे सकारात्मक बदलाव आ सकते थे। पर भले ही आप एक एक्टिविस्ट बनना चाहें या सितारा या रोमांच में दिलचस्पी रखने वाले जांबाज या कुदरत के साथ रहना चाहें, जरूरी बात केवल एक ही है, जीना शुरू कर दें। ये सोचने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं और वो काम कैसे करना है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कितना वक्त बाकी है। पर अगर आपको लगता है कि ये जानना अच्छा होगा
तो वैज्ञानिकों को आपके खून के अलग अलग हिस्सों की मदद से आपके मरने की संभावना पर भविष्यवाणी करने में कुछ सफलता हासिल हुई है। AI भी आपके जीवन काल की लंबाई निश्चित कर पाने में बेहतर होता जा रहा है। ये ख्याल कि हम सभी को कभी ना कभी जाना है, बेशक डरा देने वाला है, पर जैसा कि एडवर्ड एबी ने कहा था, मृत्यु का डर जीवन के डर के साथ जुड़ा होता है। जो जिंदगी को खुलकर जीता है वो किसी भी वक्त मरने के लिए तैयार रहता है। तो मरने के पहले आप जो चीजें करना चाहते हैं उन्हें एक एक कर पूरा करें। याद रखें कि प्यार और दया का रास्ता बेहतर साबित होता है। सोचें कि कैसे आप इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और ऐसी ही चीजों को कर दिखाने की ठान लें। अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। और हालांकि ये एक बुरा अनुभव है, पर क्या इसमें ही हम सब की भलाई नहीं है? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हो अगर दुनिया में कोई ना मरे? जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।